दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे अपने चैनल के स्टूडेंट अड्डा लाइव में। दोस्तों, बताना चाहूँगा आज की एक बड़ी खबर, जिसमें मैं संपूर्ण भारत कप गोल का जो है एक चैप्टर बनाया है, जिसमें आपको सभी जानकारी एक साथ संपूर्ण भारत में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उसकी मैं डिटेल से जानकारी आपको बताना चाहूँगा, जिसके कि हर एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण इसके क्वेश्चंस होंगे, जो कि सभी एग्जाम खास करके जो है अभी JPSC को लेकर के मैंने BPSC साथ में, ठीक है, इसके लिए जो है अभी मैंने ये चैप्टर्स को बनाया है, तो इसे हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे एवं इसका रिवीजन करेंगे, ताकि हमें आने वाले एग्जाम में इसकी बेनिफिट का मुझे लाभ मिल सके। ठीक है, तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं समय न गवाते हुए। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे नए इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि हमारे द्वारा जो भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे, ठीक है, और कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें, ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो हमारा आज के डेट का फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस सरकार ने मोर सरकार अभियान लॉन्च किया, मोर सरकार नाम का एक अभियान लॉन्च किया है, जिसका सही आंसर हो जाता है उड़ीसा। ठीक है, इसका चलिए विश्लेषण देख लेते हैं। उड़ीसा में मोर सरकार का अभियान जो लॉन्च हुआ है, इसमें दिया गया है उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने गांधी जयंती के अवसर पर मोर सरकार अभियान लॉन्च किया। इस अभियान के तहत लोगों को उत्तम सरकारी सेवाएं दी जाएगी। इस अभियान के तहत सरकारी दफ्तरों में काम करवाने के लिए आने वाले लोगों से फीडबैक ली जाएगी और फीडबैक के आधार पर कर्मचारियों की रैंकिंग की जाएगी। इससे हम सुधार क्या होगा, जो भी सरकारी ऑफिस है अभी जहाँ देख रहे हैं, थोड़ी सी जो है सरकारी ऑफिस में जाने के बाद कोई भी काम करवाने जाते हैं तो वहाँ थोड़ी सी जो है चढ़ के बोल लेते हैं, ऐसे में हमारे जब कस्टमर से फीडबैक लिए जाते हैं तो थोड़ी सी उनका बिहेवियर में बदलाव हो जाता है। इसी कारण से उड़ीसा की सरकार ने, जो कि नवीन पटनायक मुख्यमंत्री है, उन्होंने ये फैसला लिया है। तो चलिए आज के डेट की नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें दिया गया है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में कि निम्नलिखित बहुपक्षीय सम्मेलन में कौन सा अस्थायी कार्बनिक प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए है, यानी कि निम्नलिखित में जो बहुपक्षीय सम्मेलन में से कौन सा अस्थायी कार्बनिक प्रदूषक से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए है, जिसका सही आंसर हो जाएगा स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन क्या है? स्टॉकहोम सम्मेलन अस्थायी कार्बनिक प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए है, स्टॉकहोम। ठीक है, उसके बाद आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड किसका रजिस्टर है? मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड जो है किसका रजिस्टर्ड है, जिसका सही आंसर हो जाएगा मानव जनित गतिविधियों के तहत खतरे में जलीय स्थान। ठीक है, इसका रिकॉर्ड हो जाता है कि मानव जनित गतिविधियों में उत्पन्न प्रदूषण से खतरे में स्थित जलीय स्थानों को मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आज के डेट का हो जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी से कोयले की खान में काम करने वाले मजदूरों को उम्र कम हो जाती है, उस बीमारी को ब्लैक लंग्स बीमारी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि कौन सी बीमारी, ऐसी कौन सी बीमारी है जो कोयले में खान करने वाले मजदूरों को कम उम्र में होती है, जो कि उस बीमारी को ब्लैक लंग्स कहा जाता है, किसका सही आंसर हो जाएगा क्लोम गोला नुरुकता। ठीक है, क्लोम गोलोरा नुरुकता। ठीक है, अभी क्लोम गोलोरा नुरुकता जो है मुख्य रूप से खदानों में काम करने वाले लोगों को होता है, इसका कोई अभी तक अस्थाई इलाज नहीं हो पाया है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर कोयले में काम, खदान में जो काम कर रहे हैं, उनकी जीवन शैली कैसी होगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ लेते हैं, वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है?
सही आंसर हो जाएगा अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार वन्य जीव संरक्षण में अदम्य साहस दिखाने वाले को दिया जाता है। इसमें 1,00,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। ठीक है, उसके बाद आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान है जो कि श्रीनगर से 22 किलोमीटर की दूरी है। इसका मुख्य जानवर बारहसिंघा है। ठीक है, यानी कि दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में मेनली जो है बारहसिंघा को पाला जाता है। ठीक है, और जो कि श्रीनगर से 22 किलोमीटर की दूरी पे जो है ये दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा कि समताप मंडल को ओजोन गैस की परत की मोटाई किस इकाई में नापी जाती है। यानी कि समताप मंडल की जो ओजोन गैस की परत है उसकी मोटाई किस इकाई में मापी जाती है? जिसका सही एक्शन हो जाएगा डॉप्सन की इकाई के द्वारा। ठीक है, अब ओजोन परत के बारे में जान लेते हैं। पहले ओजोन परत की खोज जो है 1913 ईस्वी में फ्रेंच वैज्ञानिक चार्ल्स फेब्रे और हेनरी बिशोसन ने की थी। ठीक है, इनकी गुणों का अध्ययन जो है वैज्ञानिक जी एम बी डॉप्सन ने किया। उन्होंने इसकी मोटाई नापने के लिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर विकसित किया, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ठीक है, उन्हीं के नाम पर ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन इकाई में मापी जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों? कमेंट जरूर करेंगे, अगर जो कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उसके बारे में कमेंट करें, उन्हें जो है हमारे कमेंट के माध्यम से पुनः रिप्लाई किया जाएगा। ठीक है, एवं उसको जो भी है नोटेट किया जाएगा ताकि इस प्रकार से असुविधाएं ना हो आगे से। नेक्स्ट आपका जो आप क्वेश्चन हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जक देशों की सूची में किस स्रोत से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर आधारित होता है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जक देशों की सूची किस स्रोत से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर आधारित होता है? सही आंसर हो जाएगा जीवाश्म ईंधन का जलना और सीमेंट उद्योग। यानी सही आंसर उपयुक्त में दोनों ही हो जाएगा। ठीक है, जिसका हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक देशों की सूची में जीवाश्म ईंधन जलने और सीमेंट उद्योग से उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड दोनों पर ही आधारित होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, विश्व में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है वो कौन सी, किस प्रकार से, जो कि जलवाष्प के द्वारा जो है विश्व में सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस पाई जाती है। जो कि जलवाष्प सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है, यह साफ आसमान में 36 से 66 और बादलों वाले आकाश में 66 से 86% ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट का क्वेश्चन आ जाता है, हाँ, कि कार्टोजेना प्रोटोकॉल किसके सुरक्षित उपयोग और स्थानांतरण और हैंडलिंग के बारे में है। कार्टोजेना प्रोटोकॉल किसके सुरक्षित उपयोग स्थानांतरण और हैंडलिंग के बारे में है? सही आंसर हो जाएगा संशोधित जीवित जीव के बारे में। यानी कि कार्टोजेना प्रोटोकॉल जो है 29 जनवरी 2020 को हस्ताक्षरित हुआ था। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे 29 जनवरी 2000 को हस्ताक्षरित हुआ था और 11 सितंबर 2003 को लेकिन लागू हुआ। यह एलएमओ से सुरक्षित उपयोग और स्थानांतरण और हैंडलिंग के बारे में बताया जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आज का आ जाता है, रेड डेटा बुक किस खतरे के में स्थित प्राणियों की लिस्ट है। रेड डेटा बुक किन खतरों में स्थित प्राणियों की लिस्ट है? सही आंसर आपका हो जाएगा जानवर, पेड़ और फुंगी। इसका ये 4 नंबर जो ऑप्शन है डी सही आंसर हो जाएगा। रेड डेटा बुक उन प्रजातियों को सूचित है जो खतरे में है। हर रेड डेटा बुक में जानवर या वृक्ष अथवा फुंगी की लिस्ट होती है जो खतरे में होती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में घोषित के होने के लक्षण है। फर्स्ट इसका दिया गया है, इस क्षेत्र में कम से कम 0.5% या विनाशकारी पौधों को 1500 प्रजातियों को स्थानिक प्रजातियों के रूप में होना चाहिए।
सेकेंड में दिया गया है। इस क्षेत्र को अपनी प्राथमिकता वनस्पति का कम से कम 70% नष्ट करना चाहिए, यानी कि इसमें से कौन सा जो है ऑप्शन इसके सही ऑप्शन हो जाते हैं। सही आंसर देख लेते हैं, ये दोनों जैव विविधता हॉटस्पॉट के लक्षण है, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल उसके मुद्दे से सही संबंधित नहीं है। फर्स्ट है 1987 का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ओजोन क्षयकारी पदार्थ से संबंधित है या नहीं। सेकेंड है 1979 का बोन सम्मेलन प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण में है या नहीं। थर्ड देता है तीसरा सी नंबर 1989 का बासेल सम्मेलन जो है ट्रांस बाउंड्री आंदोलन परागमन हैंडलिंग में और रहने वाले से संशोधित जीवों का उपयोग का विनियम से संबंधित है या नहीं। उसके बाद जो है 1998 का रोटरडैम सम्मेलन जो है जो हुआ है उसमें ये दिया गया था कुछ खतरनाक रसायन और कीटनाशकों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सहमति। इसका सही आंसर जो नहीं है वो है 1989 का बासेल सम्मेलन, ठीक है। 1989 का बासेल सम्मेलन ट्रांस बाउंड्री आंदोलन परागमन हैंडलिंग और रहने वाले संबंधित जीवनों का विनिमयन, ये सही नहीं है, ठीक है। इसका विश्लेषण हो जाता है खतरनाक अवशिष्टों और उसके निपटान के संक्रमण सीमा आंदोलन के नियंत्रण पर बासेल कन्वेंशन, जिसे आमतौर पर बासेल कन्वेंशन के रूप में जाना जाता है, एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो राष्ट्रों के बीच खतरनाक कचरों के आंदोलन को कम करने के लिए डिजाइन किया गया था और विशेष रूप से खतरनाक हस्तांतरण को रोकने के लिए शुरू किया गया था, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है पढ़ लेते हैं। पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल WGEEP के अध्यक्ष कौन है, जिसका सही आंसर हो जाएगा माधव गडगिल। पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल पश्चिमी घाटों के संरक्षण और देखभाल के लिए बनाई गई थी, इसे गाडगिल समिति भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि शेर की पूंछ वाला मका किस वन्य जीव रिजर्व में पाया जाता है, ठीक है, जिसका सही आंसर हो जाता है कि नीलगिरी में पाया जाता है। शेर की पूंछ वाला मका पश्चिम घाटों में पाया जाता है, ये नीलगिरी पहाड़ियों में पाया जाता है, यह एक दुर्लभ प्रजाति है, ठीक है, जिसे कि रेड बुक में भी लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है भारतीय भारतीय जलीय निकायों में एक परेशानी घास के रूप में प्रदूषण निकलने के लिए एक जलीय पौधे में अमेरिका से पेश किया गया, इसका क्या नाम है। यानी कि एक जलीय भारतीय जलीय निकायों में एक परेशानी घास के रूप में प्रदूषण निकालने के लिए जलीय पौधे को अमेरिका में से पेश किया गया था, इसका क्या नाम था। फर्स्ट दिया गया है नागफनी, सेकेंड एगिओल्पस, थर्ड जलकुंभी, फोर्थ पिस्टिया, जिसका सही आंसर होगा एगिओल्पस। एगिओल्पस जो है जलकुंभी दक्षिण अमेरिका का एक पौधा है, यह बहुत अधिक संख्या में बीज उत्पन्न करता है तथा इसके बीजों के अंकुरण की क्षमता 30 वर्षों तक होती है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा नाइट्रोजन चक्र में मिट्टी नाइट्रेट को मुक्त नाइट्रोजन में किसके द्वारा बदल दिया जाता है। नाइट्रोजन चक्र में मिट्टी नाइट्रेट को मुक्त नाइट्रोजन में किसके द्वारा बदल दिया जाता है। सही आंसर हो जाएगा डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के द्वारा। नाइट्रोजन चक्र में जो है मिट्टी नाइट्रेट को मुक्त नाइट्रोजन में डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के द्वारा बदल दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्या कि सल्फर डाइऑक्साइड को प्रदूषक का जैविक सूचक है। सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषक का जैविक सूचक क्या है, सही आंसर हो जाएगा काई। सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषक का जैविक सूचक काई है, ठीक है, जो कि आप देखते होंगे अगर पानी में जो है ज्यादा दिन तक पत्थर भी रह जाता है या कोई पेड़ पौधे का जो है रह जाता है उसमें कुछ हरे रंग की जो जम जाती है उसे ही काई कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है
पानी के फर्न अजोला और साइनोबैक्टीरियम अन्नोबेना के बीच संबंध है। क्या संबंध है? सही आंसर हो जाएगा सहजीवी का संबंध है। पानी के फर्न अजोला और साइनोबैक्टीरियम अन्नोबेना परस्पर सहजीवी होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा मूंगा का चट्टान क्षेत्र नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मूंगा चट्टान का क्षेत्र नहीं है? ऑप्शन ए में दिया गया है मन्नार की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। दोस्तों इसका कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अभी तक मैं आपने कमेंट कर दिया होगा कमेंट बॉक्स में। तो चलिए इसका आंसर क्या है, खंबात की खाड़ी। भारत में मूंगा चट्टान की चार जगहें हैं, पहला मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और कच्छ की खाड़ी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन हो जाता है 21वां क्वेश्चन, विश्व का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक है कहाँ? कतर। इसका सही आंसर, कतर दुनिया का सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादक उत्सर्जक है प्रति व्यक्ति। हालांकि कुल मिलाकर सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक चीन है। ठीक है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर देखा जाए तो वो है कतर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन में दिया गया मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। जिसका सही आंसर हो जाएगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का एक प्रदूषक है लेकिन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस जो है मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है और सल्फर हेक्साफ्लोराइड कार्बन गैस ग्रीन हाउस का है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन दिया गया है फोटोकेमिकल धुंध में हमेशा ओजोन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का जहरीला प्रभाव ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन के लिए अधिक आकर्षक है, सी में दिया गया है लीड ऑटोमोबाइल निकास का सबसे खतरनाक प्रदूषक है या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी कोई भी कथन गलत नहीं है, सारे कथन सत्य है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ जाता है वो है इकोलॉजी शब्द किसके निष्पादित किया। इकोलॉजी शब्द जो है किसने निष्पादित किया? ऑप्शन दिया गया है चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट व्हिटेकर, ऑर्थर टॉन्सले और ऑर्नेस्ट हैकल। तो दोस्तों इसका कमेंट भी करें कौन सा सही ऑप्शन है। लगता है अभी तक मैं आपने कमेंट कर दिया ही है, तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं क्या है। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑर्नेस्ट हैकल। इकोलॉजी या पारिस्थितिकी विज्ञान पारिस्थितिकी का अध्ययन कराने वाली पर्यावरण की एक शाखा है। इसकी स्थापना 1866 में ऑर्नेस्ट हैकल ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं सही। जिसका क्वेश्चन है कि इकोटोन में जो प्रजातियां प्रचुर मात्रा में पाई जाती है वो क्या कहलाती है। इकोटोन में जो प्रजातियां प्रचुर मात्रा में पाई जाती है वो क्या कहलाती है? सही आंसर इसका हो जाएगा एज प्रजातियां कही जाती है। दो बायोम के मध्य संक्रमण कालीन क्षेत्र इकोटोन कहलाता है। इकोटोन प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली प्रजातियां एज प्रजातियां कहलाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाँ, साइबेरियन सारस किस नेशनल पार्क में आता है। साइबेरियन सारस किस नेशनल पार्क में आता है? सही आंसर हो जाएगा केवलादेव नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर एक। साइबेरियन सारस एक खतरे की प्रजाति में है, यह भारत का केवलादेव नेशनल पार्क में आती है। केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में है। इसका क्षेत्रफल जो है 28.73 वर्ग किलोमीटर है और इसकी स्थापना 1982 ईस्वी में यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया है। ठीक है, चट्टान कितने प्रकार के होते हैं, एक, दो, तीन या चार? सही आंसर दे कमेंट करें जरूर। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा तीन प्रकार के होते हैं, प्रथम आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान या रूपांतरित या कायांतरित शैल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, भारत में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है।
भारत में जो है सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व जो किस प्रदेश में है? फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। दोस्तों इसका भी कमेंट जरूर करें। देखते हैं किन्होंने कमेंट किया है। चलिए दोस्तों इसका सही आंसर जो है अब जानकारी बता दे रहा हूं, सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। भारत में सबसे ज्यादा टाइगर नेशनल रिजर्व पार्क जो है मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में ही भारत के सर्वाधिक वन्यजीव अभयारण्य नेशनल पार्क भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अर्थ ओवर किसके द्वारा मनाया जाता है? अर्थ ओवर जो है WWF के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, इसे 5 बिलियन समर्थक है इसके और 100 देशों में फैला हुआ है। इसका उद्देश्य धरती के संसाधनों को बचाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी NGT के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन दिया गया है जस्टिस AE नायडू, जस्टिस लोकेश्वर सिंह, जस्टिस मार्केंडे काटुजू या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। सही आंसर हो जाएगा जस्टिस लोकेश्वर सिंह। ठीक है, जस्टिस लोकेश्वर सिंह ने NGT की स्थापना 2010 में की थी। इसके पहले अध्यक्ष जो थे जस्टिस लोकेश्वर सिंह थे। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाँ, हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? हाइड्रोपोनिक्स जो है पौधे की बहुत सी संस्कृतियों से संबंधित है। हाइड्रोपोनिक्स पौधे की प्रजातियों से भी संबंधित है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जवाई के जंगल किस प्रदेश में है? फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। जवाई के जो जंगल है वो राजस्थान में पाई जाती है जो पाली जिले में है। इन्हें कंजर्वेशन रिजर्व स्टेट मिला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है निम्नलिखित में से क्या जलवायु परिवर्तन का एक्शन प्लान हिस्सा नहीं है? यानी कि जलवायु परिवर्तन पर जो एक्शन प्लान का हिस्सा है या नहीं। जो फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया राष्ट्रीय जल मिशन, प्रदूषण नियंत्रण के राष्ट्रीय मिशन, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन या सतत आवास के लिए राष्ट्रीय मिशन। सही आंसर हो जाएगा प्रदूषण नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय मिशन। प्रदूषण नियंत्रण के लिए मिशन पर जलवायु परिवर्तन पर एक्शन प्लान का हिस्सा नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है ग्रीन इकोनॉमी किसके नेतृत्व में है? ग्रीन इकोनॉमी जो है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के नेतृत्व में है। ग्रीन इकोनॉमी जो है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP के नेतृत्व में है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, हाँ, कि पर्यावरण अधिनियम 1986 के अंतर्गत कार्य करते हुए भारत सरकार ने किस प्रदेश में सर्वाधिक पर्यावरण संवेदनशील जगहों की खोज की है? जिसका सही आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है भारत में सबसे ज्यादा संवेदनशील जगह है पर्यावरण के मामले में। ठीक है, चलिए, हाँ, अब दिख रहा है, बड़ा हो गया। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ जाता है, हाँ, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण किस प्रदेश में है? विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण जो है वो बिहार में अभ्यारण में है। ठीक है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण जो कि विक्रमशिला में जो है गंगा डॉल्फिन अभ्यारण में गंगा में डॉल्फिन की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। गंगा की डॉल्फिन भारत की जलीय जीव है। ठीक है, जो कि सबसे ज्यादा रूप में पाई जाती है क्योंकि ये शुद्ध जल में पाई जाती है। ठीक है, निम्नलिखित प्रोटोकॉल में से कौन सा एक्सेस और बोनोफिट शेयरिंग तंत्र से संबंधित है? ऑप्शन दिया गया है क्योटो प्रोटोकॉल, नागोया प्रोटोकॉल या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एवं फोर्थ ऑप्शन जो आपका दिया गया है जेनेवा प्रोटोकॉल। सही आंसर हो जाएगा नागोया प्रोटोकॉल। नागोया प्रोटोकॉल एक्सेस जो है बेनिफिट शेयरिंग तंत्र से संबंधित है। यह 29 अक्टूबर 2010 को हस्ताक्षरित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो जाता है कि किस शहर को टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहा गया है? टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया जो है नागपुर को कहा जाता है। ठीक है, जो कि महाराष्ट्र शहर में अवस्थित है टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया। ठीक है,
उसके बाद निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए, ध्यान दें फिर एक बार। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता फर्स्ट में दिया गया है, सेकेंड में दिया गया अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, थर्ड में दिया गया अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र। यह क्रमशः किस देशों में अवस्थित है? ठीक है, तीनों। फर्स्ट है इटली, फिलीपींस, मैक्सिको, मैक्सिको फिलीपींस इटली, फिलीपींस इटली मैक्सिको, या इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका दोस्तों आंसर दें आप लोग कमेंट में, जल्द से जल्द करें। चलिए कमेंट में कर दिया होगा, ऑप्शन देख लेते हैं, इटली, फिलीपींस, मैक्सिको। ठीक है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता जो है का मुख्यालय इटली में है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र फिलीपींस, और अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र मैक्सिको। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता का कार्यालय इटली के रोम में है, ठीक है, और चावल अनुसंधान केंद्र फिलीपींस, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र मैक्सिको में है। ठीक है, उसके बाद जो है जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ है? अभी मैंने पढ़ा जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय जो है रोम में अवस्थित है। उसके बाद फिर से आ गया, निम्नलिखित पे ध्यान दीजिए, ध्यान देना है दोस्तों, ठीक है, एक नहीं भूल जाना है, ध्यान दें। ठीक है, तो पहला है साले गैस, कोयला तल मीथेन, सख्त बलुआ पत्थर, और फोर्थ ऑप्शन भी होगा जिसमें है मैथेन हाइड्रेट्स। फर्स्ट, इनमें प्राकृतिक गैस के अपरंपरागत स्रोत कौन से हैं? प्राकृतिक गैस के अपरंपरागत स्रोत कौन है? इनमें से सही आंसर हो जाएगा, ये सभी जो है प्राकृतिक गैस के अपरंपरागत स्रोत हैं, साले गैस, कोयला गैस, कोयला तल मीथेन और बलवा पत्थर और मीथेन हाइड्रेट, ये सभी प्राकृतिक गैस के अपरंपरागत स्रोत हैं। ठीक है, उसके बाद सीटेज CITES किस वैश्विक मुद्दे से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है सीटेज। सीटेज जो है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित वैश्विक समझौता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट आ जाता है क्लार्क बी बेविन पुरस्कार किससे संबंधित है? क्लार्क बी बेविन जो है वन्य सुरक्षा से संबंधित है। ठीक है, यह वन्य सुरक्षा के कार्य करने वाले व्यक्तियों को पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट कर देते हैं, ग्रिया मां किससे संबंधित है? जल मानक से, पर्यावरण मानक से, आर्किटेक्चर से, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा पर्यावरण मानक से। ग्रिया जो है मानक पर्यावरण मानक से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का चेयरमैन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, पर्यावरण मंत्री या उपराष्ट्रपति? जिसका सही आंसर हो जाएगा पर्यावरण जो है राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का चेयरमैन कौन होता है? सही आंसर दें। चलिए सही आंसर है प्रधानमंत्री। ठीक है, उसके बाद आ जाता है परमंबिकुलम वन्य जीव अभ्यारण किस प्रदेश में है? सही आंसर है केरल। परमबिकुलम वन्य जीव अभ्यारण जो है केरल के पालकर जिले में है, जो कि 89 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, हमारा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है इनमें से कौन सी संधि या प्रोटोकॉल जो है खनन पर रोक लगाता है? सही हो जाएगा अंटार्कटिका एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल। अंटार्कटिका एनवायरमेंट प्रोटोकॉल जो है अंटार्कटिका में खनन पर रोक लगाता है। हमारा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाँ, भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, जिसका सही आंसर हो जाएगा समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी। समुद्रीय राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी में स्थित समुद्रीय राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1982 ईस्वी में हुई है, यानी कि समुद्रीय राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी में जो है उसकी स्थापना 1982 ईस्वी में हुआ है। फास्ट फूड, हाँ दोस्तों ये हाँ आ गया। फास्ट फूड से निपटने के लिए किस देश में आंदोलन चला है? फास्ट फूड से निपटने के लिए किस देश में आंदोलन चला है? फर्स्ट में दिया गया है इटली, जर्मनी, फ्रांस, जापान। जिसका सही आंसर देख लेते हैं दोस्तों क्या है, इटली।
इटली में फास्ट फूड विरोधी आंदोलन चला है। फास्ट फूड स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, इसलिए हम लोगों की जो है थोड़ा सा फास्ट फूड मार्केट से जो खाना फास्ट फूड खाते हैं उसको खाना कम करते हैं। ठीक है, यहाँ भी दिया गया है कि इसके विरोधी आंदोलन इटली में चलाए जा चुके हैं जो कि फास्ट फूड स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। उसके बाद नेक्स्ट है, ओजोन परत के क्षरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रमुख स्रोत क्या है? फर्स्ट आ जाता है वृक्ष, रेफ्रिजरेटर, दूषित जल या केरोसिन। सही आंसर है रेफ्रिजरेटर। क्लोरोफ्लोरोकार्बन में कार्बन से ओजोन परत का बहुत नुकसान होता है। यह रेफ्रिजरेटर से बहुत ज्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्पन्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, निम्नलिखित पदार्थों में से यदि सबका समान मात्रा जलाई जाए तो सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कौन सा पदार्थ करेगा? फर्स्ट में प्राकृतिक गैस को जलाने पे, या केरोसिन को जलाने पे, गैसोलीन को जलाने पे, या प्रोपीन को? आंसर हो जाएगा केरोसिन को अगर हम जलाएंगे तो सबसे ज्यादा जो है कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, जैव ईंधन का क्या उद्देश्य है? जैव ईंधन का उद्देश्य क्या है? सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, वनों की कटाई और क्षरण का मुकाबला करने के लिए जैव ईंधन का उद्देश्य है? नहीं है। दुनिया को बेहतर खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए जैव ईंधन का उद्देश्य? नहीं है। जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए भी नहीं है। उसके बाद दूसरा है, ओजोन डे मनाने की घोषणा किस प्रोटोकॉल में हुई? नागोया प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जेनेवा या क्योटो प्रोटोकॉल? सही आंसर हो जाएगा नागोया प्रोटोकॉल। वर्ल्ड ओजोन डे जो है, विश्व यानी ओजोन दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसकी घोषणा जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुई है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है, राष्ट्रीय हरित कोर का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन दिया गया है, युवाओं को पर्यावरण और पारिस्थितिकी के बारे में बताना। ऑप्शन बी दिया गया है, पर्यावरणीय कानून बनाना। ऑप्शन सी दिया गया है, पर्यावरण संरक्षण या सभी। ऑप्शन में सही हो जाएगा, युवाओं को पर्यावरण और पारिस्थितिकी के बारे में बताना। हरित कोर का मुख्य उद्देश्य युवाओं को पर्यावरण और पारिस्थितिकी के बारे में बताना। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, माधव गडगिल पैनल ने किस क्षेत्र में पारिस्थितिकी रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र घोषित करने का सुझाव दिया? ऑप्शन दिया गया है, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमालयन घाट या गंगा यमुना का मैदान। सही आंसर है पश्चिमी घाट। माधव गडगिल ने पैनल मई 2011 में पश्चिमी घाट को पारिस्थितिकी रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र घोषित करने का सुझाव दिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है, कि चेचू जनजाति किस क्षेत्र में वन्य जीव से को सुरक्षित करता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा नागार्जुन, श्रीशैलम, आंध्र प्रदेश। पर्यावरण मंत्रालय के बयान के अनुसार चेचू जनजाति जो है आंध्र प्रदेश के नागार्जुन श्रीशैलम क्षेत्र में वन्य जीव के संरक्षण से संबंधित है। चेचू जनजाति जो है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, पर्यावरण लेखांकन क्या है? ऑप्शन में दिया गया है, यह पर्यावरण या प्राकृतिक संसाधनों की खपत को मापने के लिए एक विधि है, या यह देश की हरी क्षेत्रों को सांख्यिकी विश्लेषण करने का एक तरीका है, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सही हो जाएगा ए, यह पर्यावरण प्राकृतिक संसाधनों को मापने की एक विधि है। ठीक है, पर्यावरण लेखांकन की हरित लेखांकन भी कहते हैं। यह पर्यावरण संसाधन की खपत मापने की एक विधि है। ठीक है, नेक्स्ट को जाता है, बिली अर्जन सिंह का नाम किस राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है? फर्स्ट में दिया गया है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, सेकेंड में दिया गया है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, या काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, या मानस राष्ट्रीय उद्यान। सही आंसर हो जाएगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। बिली अर्जन सिंह का जन्म जो है 1917 में हुआ। वह एक पूर्व शिकारी थे
किंतु एक छोटे तेंदुए के शिकार के बाद उनका हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने दुधवा नेशनल पार्क की स्थापना के लिए अभियान चलाया। 1976 से 1996 ईस्वी में WWF ने गोल्ड मेडल दिया। उन्हें 1995 में पद्मश्री भी दिया गया, जिसका उनका निधन जो है फिर 2010 ईस्वी में बिली अर्जुन सिंह का निधन हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ जाता है, हाँ, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का मुख्य बेंच कहाँ है? राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का मुख्य बेंच जो है भोपाल में अवस्थित है। ठीक है, ये राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना जो है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010 से हुई। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण को नियंत्रित रखना, पर्यावरण में जो प्रदूषण हो रहा है उनको नियंत्रित रखना, जिसकी स्थापना 5 मई 2010 को हुई। इसका मुख्य कार्यालय जो है भोपाल में अवस्थित है। ठीक है, और दोस्तों एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या पौष्टिक स्तरों पर हमेशा एक खाद्य श्रृंखला में घट जाती है? ऑप्शन में दिया है ऊर्जा, संख्या, रसायन या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन है ऊर्जा। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। ठीक है, आपने देखा होगा पिरामिड जो है इस प्रकार का होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा, अभी आप सभी को जानकारी होगी जेपीएससी के एग्जाम जो है बहुत ही नजदीक है। ठीक है, तो इस टॉपिक पर जो मैंने क्वेश्चन बनाई है, टॉपिक को क्वेश्चन को मैं ध्यान से पढ़ें एवं हो सके तो वीडियो के समय में ही आप नोट बनाएं एवं याद भी जरूर करें। इससे हमें दो बेनिफिट होगा, याद भी हो जाएगा, नोट्स रहेगा तो हमेशा रीड भी कर पाएंगे। ठीक है, और महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, इन्हें जरूर रीड करें। ठीक है, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सबसे पहले दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। अभी बेल आइकन दबाने के बाद इस वीडियो को दोस्तों एक लाइक तो बनता है, एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ अभी शेयर कर लें। चलिए दोस्तों शेयर कर लीजिए। ठीक है, अभी क्वेश्चन अभी पढ़ लेते हैं। राष्ट्र निम्नलिखित में से जैविक उर्वरक कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है राइजोबियम, एजेक्टोबैक्टर, सहजीवी संबंध या सभी। ऑप्शन हो जाएगा सही कि सभी ये जो है जैविक उर्वरक है। जैविक उर्वरक खेती में प्रयोग किए जाते हैं, ये किफायती होने के साथ साथ ही कम प्रदूषक होते हैं। राइजोबियम, एजेक्टोबैक्टर, एजपरलीजिस, पेनिसिलियम, डोमोनोस बैसिलस, उसके बाद आ जाता है ये फ्लोरिसेंट, उसके बाद सूडोमोनोस राइजोबिया, फ्लोवोबैक्टीरिया, एसिटोबैक्टर आदि जैव उर्वरक हैं। ठीक है, जैविक खेती से क्या फायदे हैं? बिल्कुल सही आंसर क्वेश्चन दिया गया है, जैविक खेती से हमें क्या फायदा मिलेगा? यह किफायती होता है, यह कम समय लेता है, इसमें कम मजदूर की जरूरत होती है, या सभी। जिसका आपका सही आंसर हो जाएगा यह किफायती होता है। जैविक खेती में रासायनिक उत्पादों का प्रयोग न करके कंपोस्ट, जैविक खाद आदि का प्रयोग किया जाता है, यह किफायती एवं कम प्रदूषक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, हाँ, कि मोबाइल फोन से उत्पन्न ई कचरा कौन सा तत्व का होता है? ऑप्शन है कॉपर, जिंक, आयरन या लेड। सही आंसर हो जाएगा कॉपर। मोबाइल फोन से जो उत्पन्न कचरा होता है वो मुख्यतः कॉपर का होता है। अब ई कचरा जो है या ई अपशिष्ट जो है बेकार मोबाइल फोन से उत्पन्न होता है, जो पर्यावरण के लिए बहुत घातक होता है। इसका मुख्य रूप जो है कॉपर होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो जाता है कि पर्यावरण संरक्षण आंदोलन में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन थे? साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा रसेल कार्सन। साइलेंट स्प्रिंग के लेखक रसेल कार्सन है। यह पुस्तक 27 दिसंबर 1962 को प्रकाशित हुई थी। ये पेस्टिसाइड के दुष्प्रभाव पर आधारित है। ठीक है, पेस्टिसाइड के दुष्प्रभाव पर आधारित है।
हमारा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आज का कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह या पिंड उल्टा हरित गृह प्रभाव प्रदर्शित करता है। ऑप्शन दिया गया है मंगल, शुक्र, बृहस्पति या टाइटन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टाइटन। हमारे सौरमंडल में टाइटन उल्टा हरित गृह प्रभाव प्रदर्शित करता है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खाद्य श्रृंखला में संख्याओं का पिरामिड उल्टा होता है। किस खाद्य श्रृंखला में संख्याओं का पिरामिड उल्टा होता है। ऑप्शन दिया गया है ग्रासलैंड खाद्य श्रृंखला या तालाबी खाद्य श्रृंखला या परजीवी खाद्य श्रृंखला या इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर हो जाएगा परजीवी खाद्य श्रृंखला जो है पिरामिड में हमेशा उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है कार्बन लेवी क्या है। ऑप्शन दिया गया है जेट और लगने वाला कर, पेट्रोल पर लगने वाला कर, कार्बन ईंधन पर लगने वाला कर या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा कार्बन ईंधन पर लगने वाला कर ही कार्बन लेवी है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग सुरक्षित क्षेत्रों में आता है। जिसका सही आंसर हो जाएगा 5%। 5% जो है भारत का क्षेत्रफल का 5% भाग सुरक्षित क्षेत्र में आता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कि जेट्रोफा के अलावा निम्नलिखित में से किस पेड़ के बीज का तेल भारत में सैकड़ों परियोजनाओं के संयंत्र चालक के रूप में साबित हुआ। जेट्रोफा के अलावा निम्नलिखित में से किस पेड़ के बीज का तेल भारत में सैकड़ों परियोजनाओं के लिए संयंत्र चलाने के रूप में साबित हुआ। सही आंसर हो जाएगा पोंगामिया पिन्नाट। पोंगामिया पिन्नाट का तेल जो है पोंगामिया तेल भारत में सबसे अनेक योजनाओं के संयंत्र तेल में के रूप में साबित हुआ है। इसे जैविक तेल भी कहा जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए, ध्यान दो दोस्तों। फर्स्ट आ जाता है समुदाय रिजर्व, पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र या जीव मंडल रिजर्व, वन्य या पर्यावरण क्षेत्र में संबंधित विभिन्न कार्यों में निर्धारित प्रक्रियाओं का अनुसार उपर्युक्त में से कौन सा भारत में तय किया गया है। केवल एक या केवल दो या केवल तीन या सभी। सही आंसर हो जाएगा केवल एक। समुदाय रिजर्व वन्य और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से ध्यान दीजिए। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है आपका जलवायु लचीला कृषि का राष्ट्रीय पहल है, दूसरा राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, इनमें से प्रधानमंत्री की जलवायु परियोजनाओं पर योजना में क्या शामिल है। सही आंसर इसका हो जाएगा केवल दो, ठीक है। यानी राष्ट्रीय सतत कृषि जो है मिशन प्रधानमंत्री की जलवायु परियोजनाओं में शामिल है, क्या शामिल है, ठीक है। यानी क्या नहीं शामिल है सीधा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट दिया गया है आईची टारगेट किससे संबंधित है। आईची टारगेट जो है नागोया प्रोटोकॉल से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद दिया गया है अम्लीय वर्षा ऐतिहासिक इमारतों का नुकसान करती है, इनमें से कौन सी ऐसी प्रक्रिया का अंतिम उत्पाद है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा जिप्सम। अम्लीय वर्षा में सल्फर डाइऑक्साइड होती है, ठीक है, जो चूने को जिप्सम में बदल देती है जिससे ऐतिहासिक इमारतों को नुकसान पहुंचता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभयारण्य किन तीन प्रदेशों में है। पहला ऑप्शन में दिया गया है राजस्थान, उत्तर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। बी में दिया गया है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। सी में दिया गया है हरियाणा, पंजाब या राजस्थान। डी में आपका दिया गया है राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात। जिसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभयारण्य जो है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में है। ये 5400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें मुख्यतः जो है घड़ियाल, गंगा की डॉल्फिन आदि के लिए है, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जापान में निम्नलिखित में से दो मेबानियों पे ध्यान दीजिए। पहला आ जाता है मिनीमाता, इताई। इन बीमारियों को फैलने की दो वजह कौन सी है? फर्स्ट में दिया गया है पारा या आर्सेनिक, दूसरा आर्सेनिक या पारा, तीसरा दिया गया है पारा या कैडमियम, चौथा दिया गया है कैडमियम या आर्सेनिक, जिसका आपका सही आंसर हो जाएगा पारा और कैडमियम। मिनीमाता बीमारी का कारण तत्व जो है पारा, और इताई बीमारियों का जो है कारण तत्व जो है कैडमियम पाया गया है। उसके बाद दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जो कि इसका विश्लेषण दिया गया है। हाँ, इसे कर लेते हैं पढ़ने में जिसमें कि सही लगे, ठीक है। हाँ, तो चलिए, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है अरुणाचल प्रदेश में है। यह क्षेत्रफल के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका क्षेत्रफल जो है 1985.23 वर्ग किलोमीटर है। इसकी स्थापना 1974 में हुई है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता अधिनियम 2002 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। पहला ऑप्शन दिया गया है जैव विविधता अधिनियम के अनुसार भारत सरकार में जैव विविधता धरोहर का विकास करेगी। दूसरा ऑप्शन दिया गया है स्वदेशी इलाज करने वाले वैद्य और हकीमों को जैव विविधता क्षेत्रों में संरक्षण उपयोग करने के लिए अनुमति लेनी होगी। तीसरा दिया गया है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण से बिना अनुमति के बिना जैविक संसाधनों से संबंधित पेटेंट लागू नहीं किया जाएगा। इसका आंसर आपका दिया गया है कौन सा कथन सत्य है, केवल एक या केवल दो या केवल तीन या केवल सभी? सही आंसर आपका हो जाएगा केवल तीन। जैव विविधता अधिनियम 2002 में पारित हुआ है। इसका अनुसार जो है राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण से बिना अनुमति के बिना जैविक संसाधन से संबंधित पेटेंट लागू नहीं किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट आपका कि वर्ल्ड वेटलैंड डे की शुरुआत कब हुई? वर्ल्ड वेटलैंड डे की शुरुआत 1971 ईस्वी में हुआ है, ठीक है, जो कि वर्ल्ड वेटलैंड की डे हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1971 में हुई। इसका उद्देश्य मुख्य उद्देश्य जो है विलुप्त होती झील या तालाबों को बचाना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आवासीय क्षेत्रों में अधिकतम ध्वनि सीमा कितनी होनी चाहिए? सही आंसर हो जाएगा 55 डेसिबल। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आवासीय क्षेत्रों में अधिकतम ध्वनि सीमा जो है 55 डेसिबल हो सकती है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, बिलीगिरी रंगा मंदिर वन्य जीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? बिलीगिरी रंगा वन्य जीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? सही आंसर है कर्नाटक। बिलीगिरी रंगा वन्य जीव अभयारण्य कर्नाटक में है। यह 540 किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी स्थापना 1974 ईस्वी में की गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याओं में परिस्थिति की पिरामिड केंद्र में व्यापक है? सही आंसर हो जाएगा वन परिस्थिति की तंत्र पिरामिड परिस्थिति की जो है पिरामिड के केंद्रों में अवस्थित है। नेक्स्ट आ जाता है ऑप्शन, यह दिया गया है वन्य जीव क्षेत्र जैसे रिजर्व और प्रोजेक्ट क्षेत्रों में मनुष्यों का हस्तक्षेप लिविंग लेबोरेटरी कहा जाता है, या वन्य जीव रिजर्व में किसी भी अनुसंधान की परमिशन नहीं है। इनमें से दोनों में से कौन सा कथन सत्य है दोस्तों, जल्दी रिप्लाई करें कमेंट में, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा केवल एक, केवल पहला कथन सत्य है, क्योंकि वन्य जीव रिजर्व के क्षेत्रों में का शासन का आदेश बिना आदेश लेकर बिना पशुओं को क्षति पहुंचाए अनुसंधान किया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाता है, विश्व का पहला ओजोन परत संरक्षण के लिए कहां सम्मेलन हुआ है? सही आंसर हो जाएगा वियना में जो है ओजोन परत संरक्षण के लिए पहला सम्मेलन 1900
1885 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुआ है, जो 1988 में लागू हुआ है। इसे 196 देशों में लागू किया जा चुका है अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, किन जंगलों में 1932 में भारत में पहली बार बाघों की जनगणना हुई? सही आंसर है पलामू। पलामू के जंगलों में 1932 में सबसे पहली बार बाघों की जनगणना हुई थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, पिट्टी पक्षी अभयारण्य कहाँ है? पिट्टी पक्षी जो अभयारण्य है वो लक्षद्वीप में अवस्थित है। नेक्स्ट आ जाता है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों इसका तो कमेंट अवश्य करें दोस्तों, ठीक है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में है। 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च या 24 मार्च, जल्दी से कमेंट करें। चलिए आंसर बता देता हूँ, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 22 मार्च। विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च का मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य सभी देशों में स्वच्छ जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है केरल में है, ठीक है, यह केरल के पलक्कड़ जिले में है, यह नीलगिरी पहाड़ में है। यह जो है 236.74 वर्ग किलोमीटर में है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, परम्बिकुलम वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? वो भी केरल में ही है, जो कि परम्बिकुलम वन्य जीव अभयारण्य जो है यह 89 वर्ग किलोमीटर में है। IUCN द्वारा जारी खतरे में प्रजातियों को निम्नलिखित लिस्ट में ध्यान दें, UV, EN, CR, EW, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, इनमें खतरे को किस क्रम में बांटा गया है? ऑप्शन देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4। यूवी का मतलब हो जाता है चपेट में, EN का मतलब हो जाता है खतरे में, CR का मतलब हो जाता है गंभीर खतरे में, EW का मतलब हो जाता है जंगल से लुप्त, जैसे डायनासोर हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अपना, कि निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय निकायों में से सब किसने बाघों को बचाने और बाघ को आवासों को संरक्षित रखने के लिए ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव शुरू करने में सक्रिय रुचि ली है? सही आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक। ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव बाघों को बचाने के लिए एक योजना है जिसने वर्ल्ड बैंक ने रुचि लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, तटीय विनियमन क्षेत्र CRZ के संदर्भ में निम्नलिखित बयानों पर विचार करें। फर्स्ट में आ जाता है, भारत में 1991 में CRZ अधिसूचना के तटीय क्षेत्र पर उच्च ज्वार पर आधारित है। ऑप्शन दो में दिया गया है, 2004 की स्वामीनाथन रिपोर्ट इस बात का रिव्यू करने के लिए थी कि उच्च ज्वार लाइनें सर्वोत्तम अभ्यास नहीं है, कम वैज्ञानिक है। ऑप्शन सी में दिया गया है, CRZ अधिनियम 2011 HTL के बजाय तटस्थ किनारों पर निर्भरता रेखा की सीमा तय की गई है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है दोस्तों, जल्दी से कमेंट करें। सही आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2, कथन सत्य है, यानी कि भारत में 1991 में CRZ अधिसूचना के तटीय क्षेत्र ज्वार पर आधारित है, बिल्कुल सही है। 2004 की स्वामीनाथन रिपोर्ट इस बात का रिव्यू करने के लिए थी कि उच्च ज्वार लाइनें सर्वोत्तम अभ्यास नहीं है, कम वैज्ञानिक है, ये दोनों जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, भारत का पहला समुद्री जैव विविधता के लिए राष्ट्रीय केंद्र कहाँ है? ठीक है, सही आंसर हो जाएगा, भारत का पहला समुद्री जैव विविधता के लिए राष्ट्रीय केंद्र जो है जामनगर में अवस्थित है, जामनगर गुजरात में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है, जट्रोफा कर्कश कहाँ पाए जाते हैं? जट्रोफा कर्कश जो है मध्य अमेरिका में पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि जट्रोफा कर्कश क्या है? जट्रोफा कर्कश मध्य अमेरिका में एक प्रमुख पौधा है, यह एक बड़ा पादप है जो झाड़ियों के रूप में अर्ध शुष्क क्षेत्रों में उगता है। इस पादप से प्राप्त होने वाले बीजों में 25 से 30% तक तेल निकाला जा सकता है।
यह तेल कार, पंखा आदि चलाने में काम आता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, महेश रंगराजन समिति ने किस उद्देश्य के लिए वन्य जीव अधिनियम में सुधार की सिफारिश की। सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय हाथी संरक्षण स्थापित करने के लिए। महेश रंगराजन समिति ने राष्ट्रीय हाथी संरक्षण प्राधिकरण स्थापित करने के लिए वन्य जीव अधिनियम में सुधार की सिफारिश की थी। नेक्स्ट आ जाता है, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए, पहला आ जाए है आयरन, दूसरा आ जाएगा मॉलिब्लेडम ब्लेड, तीसरा आ जाएगा मैग्नीशियम। इनमें से क्या जैविक नाइट्रोजन फिक्सन में सहायक है। सही आंसर हो जाएगा केवल एक और दो, आयरन और मॉलिब्लेडनम जो है जैविक नाइट्रोजन फिक्सेंस में सहायक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और मेथेन गैस, ठीक है, इनमें से कौन धरती पर ओजोन बनाने में सहायक है। जिसका सही आंसर हो जाएगा एक और तीन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और मेथेन धरती पर ओजोन बनती है। ओजोन जो है ओजोन परत जो है आकाश में तो पृथ्वी पर परावैगनी किरणें पहुंचाने से रोकती है, जबकि धरती पर उपस्थित ओजोन परत एक प्रदूषक है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, ऑर्गन पृथ्वी पर पाई जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी गैस है। आर्गन पृथ्वी पर पाई जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी गैस है। यह किस समस्थानिक के विघटन से बनता है, K40, CA48 या K41। सही आंसर हो जाएगा ऑर्गन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद तीसरी सबसे ज्यादा पादप पाई जाने वाली गैस है। यह 0.93% पाई जाती है, K40 के विघटन से बनती है। नेक्स्ट आ जाता है आपका, किस प्रदेश में विश्व धरोहर में शामिल टाइगर रिजर्व है। किस प्रदेश में विश्व धरोहर में शामिल टाइगर रिजर्व है। सही आंसर है असम। मानस टाइगर रिजर्व असम के हिमालय में तलहटी में है, यह विश्व धरोहर में शामिल है। आपका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन हो जाता है, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए, NINTCA राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एक वैज्ञानिक निकाय है। उसके बाद NTCA की घोषणा वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम में संशोधन के बाद हुआ है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है, जिनमें कि आपका दोनों कथन सत्य हो जाता है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण एक वैज्ञानिक निकाय है और इसकी घोषणा वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम के संशोधन के बाद हुआ है। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, जो वो क्वेश्चन है, कामेंग एलिफेंट रिजर्व और देवमाली एलिफेंट रिजर्व किस प्रदेश में है। सही आंसर है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। कामेंग एलिफेंट रिजर्व और देवमाली एलिफेंट रिजर्व जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो दोस्तों आज की जानकारी कैसी लगी ये हमें अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएंगे, और इस चैनल को जो है स्टूडेंट अड्डा लाइव को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि हमारे द्वारा जो भी नोटिफिकेशन आपको मिली सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे, और इस वीडियो को जितना हो सके दोस्तों लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।